शमशेर खान की खास खबर पर एक नजर। पुलिस स्टेशन के तहत दहे गांव के खेत परिसर समीप से ही बहने वाले श्री क्षेत्र गायमुख नहर के माध्यम से बड़े पैमाने पर अवैध रेती की चोरी की जा रही है। जानकारी अनुसार प्रतिदिन सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि देरी तक दो ट्रैक्टर द्वारा गायमुख नहर से रेती उत्खनन कर मोहाड़ी शहर में अधिक दाम में बेची जा रही है। दहे गांव निवासी महाराष्ट्र सरकार के युवा कर्मचारी अवैध रेती व्यवसाय पिछले एक महीने से कर रहे हैं। इन कर्मचारियों ने दो ट्रैक्टर खरीदी किए हैं। अवैध रेती व्यवसाय के लिए अपनी ड्यूटी रात्रि की लगाई है। गायमुख नहर से रेती यातायात करने एक किसान खेत से रास्ता तैयार किया जा रहा है, उसके बदले में किसान को कुछ लालच दिया जा रहा है। मोहाड़ी शहर में अधिक दाम से रेती बिक्री की जाए, इसीलिए इन रेती व्यवसायिकों ने स्थानीय पटवारी एवं पुलिस कर्मचारियों को हाथ में लिया है। प्रतिदिन बड़े पैमाने पर रेती चोरी होने से राजस्व विभाग का लाखों रुपए राजस्व डूब रहा है। वहीं दूसरी ओर रेती माफिया करोड़पति हो रहे हैं। अवैध रेती व्यवसाय की ओर राजस्व विभाग ही अनदेखा करने से अवैध रेती व्यवसाय बढ़ रहे हैं। इन अवैध रेती व्यवसाय की वजह से नदी किनारे के किसानों की खेती नदी नहर निकल जा रहे हैं। अवैध रेती व्यवसाय में सरकारी कर्मचारी भी उतरने से तहसील में चर्चा का विषय बना है। रेती भरकर ले जाने वाले ट्रैक्टर दहे गांव से तेज गति से दौड़ने से दुर्घटना की संभावना बढ़ी है। पटवारी कार्यालय सामने से ही अवैध रेती के ट्रैक्टर दौड़ने के बावजूद पटवारी आंखों पर पट्टी बांधे हुए है। इस ओर राजस्व एवं पुलिस विभाग की अनदेखी है।